आईपीएल 2023 का आगाज अब होने को है। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की भिड़ंत होने वाली है। इस मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को करारा झटका लगा है। टीम का एक तेज गेंदबाज पूरे आईपीएल 2023 से बाहर हो सकता है। पिछला सीजन चेन्नई के लिए बेहद ही खराब रहा था, लेकिन इस तेज गेंदबाज ने टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। पिछले आईपीएल सीजन में चेन्नई के लिए ब्रावो के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुकेश चौधरी के आईपीएल 2023 में खेलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। बाएं हाथ किस तेज गेंदबाज ने सीएसके के लिए अपने डेब्यू सीजन में सभी को प्रभावित किया था और चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा 16 विकेट लिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथ ने बताया कि उन्हें लेकर अभी कुछ अपडेट नहीं है। क्रिकेट से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमें भी मुकेश की वापसी का इंतजार है, लेकिन हमें बहुत ही कम उम्मीद लग रही है। उन्होंने आगे कहा, पिछले सीजन वह हमारे प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक थे। अगर इस आईपीएल में वह नहीं खेल पाते हैं तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। बता दें कि आईपीएल 2022 मुकेश का पहला सीजन था। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन पर बोली लगाते हुए मुकेश को उनके बेस प्राइस पर टीम में शामिल किया था। चेन्नई ने 20 लाख रुपए देकर चेन्नई के स्क्वाड में उन्हें जगह दी। आईपीएल 2022 में वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। मुकेश ने पूरे आईपीएल सीजन में 13 मैच खेले थे और 16 विकेट अपने नाम किए थे।